हेलो पॉकेट ट्रेनर्स, कैसे हो। स्वागत है पॉकेट स्टॉप के एक नए वीडियो में। तो गाइस, आज का वीडियो का जो टॉपिक होने वाला है वो है हाउ टू गेट 100 आईवी पोकेमॉन। 100 आईवी मतलब गाइस 100 आईवी, नॉट 99 आईवी। आपको बिल्कुल 100 आईवी पोकेमॉन मिलने वाला है और उसके लिए आपको कोई भी ढूंढना नहीं पड़ेगा। डायरेक्ट आपके सामने 100 आईवी पोकेमॉन प्रकट हो जाएगा, ठीक है, समझ रहे हो ना, प्रकट हो जाएगा। तो गाइस देखो, 100 आईवी पोकेमॉन क्या होता है, आप लोग देखो स्क्रीन में देख पा रहे हो, ये जो लिखा हुआ है 100 आईवी, ये होता है 100 आईवी पोकेमॉन। जब भी आप किसी भी पोकेमॉन को पकड़ोगे उसका एक आईवी होता है, ठीक है। 100 आईवी पोकेमॉन हम क्यों पकड़ते हैं, ये है सबसे बड़ा क्वेश्चन। बहुत लोगों का क्वेश्चन होगा गाइस कि 100 आईवी पोकेमॉन क्यों, ठीक है, 100 आईवी क्यों। क्योंकि जो 100 आईवी पोकेमॉन है वो आप स्क्रीन में देख पा रहे हो, जैसे स्क्वाटल, ये स्क्वाटल है, इसका 100 आईवी है, मतलब इसका जो डिफेंस, अटैक एंड एचपी जो है वो 100% रहेगा। मतलब स्क्वाटल का एचपी जो 86 है वो फुल रहेगा, इसका अटैक अच्छा रहेगा, इसका डिफेंस अच्छा, मतलब बिल्कुल एकदम 100% रहेगा। तो अगर ये पोकेमॉन को आप ब्लास्टवाइज में इवॉल्व करोगे तो समझ लो वो कितना पावरफुल बनने वाला है। इसलिए 100 आईवी पोकेमॉन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो गाइज, आपको ये 100 आईवी पोकेमॉन कैसे पकड़ना है, बहुत ही शॉर्टकट तरीके से, कि 100 आईवी पोकेमॉन आपके सामने प्रकट हो जाए, मतलब आ जाए, ठीक है। और भी गाइस, और एक चीज़ आप लोग देख पा रहे हो, जो बंदे पोकेमॉन को खेल रहे हो फिलहाल के लिए, आप लोग देख सकते हो कि अभी वाइल्ड में हमें बहुत सारा जो जनरेशन 1 का पोकेमॉन है, जैसे पिकाचू, स्क्वाटेल, बल्बसॉर, चार्मेंडर, इन सब के ऊपर एक हैट मिल रहा है। मतलब ये सब नया कॉस्ट्यूम आया है, ठीक है, नए साल के लिए ये सब कॉस्ट्यूम आया है। अभी ये सब पोकेमॉन में कौन सा शाइनी होने वाला है वो भी मैं आज आपको ये वीडियो में बताने वाला हूँ। मतलब कौन सा पोकेमॉन को अगर आप ज़्यादा करके एनकाउंटर करोगे तो आपको वो शाइनी मिलने का चांस है। तो गाइस, चैनल में अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो में लाइक कर दो। तो चलो शुरू करते हैं। और गाइस, मैं आपको क्यों बोलता हूँ चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, क्योंकि गाइस अगर आप सब्सक्राइब करोगे तो मैं गारंटी देता हूँ आपका कोई भी इवेंट मिस नहीं होगा, आपको ये चैनल में हर एक अपडेट मिल जाएगा, ठीक है। तो गाइस, अभी फिलहाल के लिए देखो जो मैं यूज़ कर रहा हूँ वो है पीजी शार्प। अगर आपके पास पीजी शार्प नहीं है तो कोई टेंशन नहीं गाइस, कोई टेंशन नहीं, वीडियो देख लो, डिस्क्रिप्शन में जाना, आपको लिंक मिल जाएगा। तो गाइस देखो, पीजी शार्प में जो स्टार ऑप्शन है उसमें एक ऑप्शन मिलेगा फीड, आपको सिंपली क्या करना है वो फीड के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। फीड के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आने वाला है जहाँ पर आप एक स्टार देख सकते हो, ऊपर एक स्टार नहीं, सॉरी, जो प्लस साइन है वो देख सकते हो, लेकिन उसमें क्लिक मत करना क्योंकि वो पेड वर्जन के लिए है, ठीक है। फिलहाल के लिए देखो आपको 100 आईवी पोकेमॉन कैसे मिल सकता है। देखो यहाँ पर 100 आईवी लिखा हुआ है, सिंपली आपको वो जो मार्क है उस मार्क में क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद देखो यहाँ पर आपके सामने बहुत सारा पोकेमॉन स्पॉन हो जाएगा, स्पॉन मतलब आ जाएगा, जो 100 आईवी है। देखो जैसे मैं स्क्वाटल को पकड़ूंगा, आपको सिर्फ क्या करना है, टेलीपोर्ट करना है। अभी देखते हैं गाइस ये काम करता है कि नहीं, आपके सामने प्रूफ हो जाएगा कि 100 आईवी हमें मिलता है कि नहीं, या ये ऑप्शन फेक है, ठीक है। तो गाइस ये ऑप्शन बिल्कुल भी फेक नहीं है, फिर भी मैं आपको प्रूफ करके बता देता हूँ। तो गाइस देखो, यहाँ पर आपको आने के बाद, मतलब टेलीपोर्ट हो जाने के बाद थोड़ा बहुत वेट करना पड़ेगा क्योंकि ये न्यू लोकेशन है और यहाँ पर पोकेमॉन स्पॉन होने के लिए थोड़ा बहुत टाइम लगता है, तो आपको थोड़ा बहुत टाइम देना पड़ेगा। टाइम देने के बाद देखो गाइस, आपके सामने बहुत सारा पोकेमॉन स्पॉन हो चुका है और स्क्वाटल भी स्पॉन हो चुका है जो न्यू हैट के साथ है गाइस, ठीक है। अभी देखो गाइस, ये आप लोग देख सकते हो यहाँ पर 100 आईवी लिखा हुआ है, ठीक है। तो सिंपली आपको क्या करना है, गोल्डन रसबेरी को यूज़ करना है और जो ये जो अल्ट्रा बॉल है इसे यूज़ करना है। क्यों, क्योंकि देखो क्या होता है, 100 आईवी पोकेमॉन वैसे ही पावरफुल होता है, वैसे ये स्क्वाटल है, ये सब क्या होता है, भाग जाता है, ठीक है, आपको वो नहीं करना है, ठीक है। आपको गोल्डन रसबेरी यूज़ करना है और जो अल्ट्रा बॉल है उसको यूज़ करना है। तो गाइज मैं क्या करता हूँ, जब भी कोई 100 आईवी पोकेमॉन को पकड़ता हूँ उसके साइड में, नाम के साइड में दो हैशटैग लगा देता हूँ क्योंकि वो आसानी से मुझे मिल जाता है, इसलिए, ठीक है। अभी गाइज एक मैं आपको टिप्स देने वाला हूँ, वो क्या है, अगर आपको 100 आईवी पोकेमॉन पकड़ना है तो आपको उसके लिए दूसरे लोकेशन में जाना पड़ता है। तो आप अगर सॉफ्ट बैन और परमानेंट बैन से बचना चाहते हो तो आपको क्या करना है, ये छोटा सा एक टिप्स है, आपको क्या करना है, आप जिस भी लोकेशन में पहले थे वहाँ पर आप किसी भी पोकेमॉन को मत पकड़ना, कोई पोके स्टॉप में स्पिन मत करना, जिम में स्पिन मत करना, जिम फाइट मत करना, कुछ भी एक्टिविटीज़ मत करना, सिंपली आपको वहाँ पर रहना है, ठीक है, कोई पोकेमॉन को पकड़ना नहीं है। उसके बाद जो मैंने स्टेप आपको बताया कि आपको कैसे 100 आईवी पोकेमॉन को मतलब सर्च करना है, वो स्टेप फॉलो करो और आ जाओ, आपको ना कोई सॉफ्ट बैन लगेगा ना परमानेंट बैन। लेकिन अगर आप वहाँ पर कुछ भी एक्टिविटी करो,
लाइक पोकेमोन को ही मान लो कि वहाँ पर कोई पोकेमोन आपने पकड़ लिया और तुरंत आपने टेलीपोर्ट करके दूसरे लोकेशन में आके आप अगर 100 आईबी पोकेमोन को पकड़ने जाओगे तो आपको सॉफ्ट बैन 100% लग जाएगा और परमानेंट बैन भी हो सकता है। तो गाइज ये छोटा सा एक टिप्स भी मैंने दे दिया। अभी गाइज फिलहाल के लिए मैं आपको बताने वाला हूँ कौन सा पोकेमोन जो आपको वाइल्ड में शाइनी मिलेगा। फिलहाल के लिए जो पोकेमोन आप देख पा रहे हो मतलब हैट में जो रिलीज हुआ है नया कॉस्ट्यूम में उसमें कौन सा पोकेमोन आपको शाइनी मिलेगा। तो गाइज आप लोग स्लाइड देख सकते हो ये सब पोकेमोन आपको शाइनी मिलेगा। तो गाइज यही था वीडियो, अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो में एक लाइक करो और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।